राजस्थान में शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग वृक्षारोपण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है। 7 अगस्त को हरियाली तीज के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने करोड़ों पेड़ लगाने का फैसला किया है। इस बीच भजनलाल सरकार ने राजस्थान के हालात और गर्मी के मौसम में तापमान के बेकाबू हालात को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 7 अगस्त को हरियाली तीज के उपलक्ष्य पर शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग राजस्थान में वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज मंत्री मदन लाल दिलावर ने लोगों से सरकार का साथ देने की और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की है। साथ ही इसके लिए विद्यालयों को 37 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान का तापमान 55 डिग्री तक गया था। राजस्थान का तापमान 47 से कम नहीं रहा। अगर 48 से ज्यादा तापमान होता है तो जिला कलेक्टर एवं अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि यह तापमान हमारे लिए खतरे की घंटी है। यह बताता है कि अगर आप सुधरे नहीं तो मानवता का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए हमें अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए पेड़ लगाने की जरूरत होती है, जिससे तापमान कम होगा। इसी क्रम में भजनलाल सरकार ने अभियान की सफलता के लिए समाज के विभिन्न वर्गों को पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया है। अब ग्राफिक्स के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसको कितने पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। दो पहिया वाहन चालकों को 5 पौधे लगाने हैं, 4 पहिया वाहन चालकों को 10 पौधे और ट्रैक्टर चालक को 15 पौधे, बस और ट्रक ड्राइवर को 20 पौधे, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को 5 पौधे, पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 25 पौधे, राशन प्राप्तकर्ता को 10 पौधे, जिनके घर में एसी है उन्हें 50 पौधे, पेट्रोल पंप मालिकों को 300 पौधे और जबकि गैस एजेंसी मालिक को 300 पौधे लगाने हैं। बता दें कि प्राइमरी स्कूल को 15,000, मिडिल स्कूल को 35,000 और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 55,000 रुपए देने का प्रावधान रखा गया है, ताकि पौधारोपण के दौरान शिक्षकों को किसी तरह के संसाधन की कमी ना रहे। पौधारोपण के बाद पौधों की देखभाल के लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी।